नमस्कार दोस्तों, ई डिजिटल ग्लोब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं सब्सक्राइब के बटन और घंटी जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में आपको अपडेट करने जा रहा हूं मनरेगा मिट के बारे में, एक बहुत बड़ी खबर को लेकर। आने वाले समय में किस तरीके से सरकार के द्वारा तरह तरह की योजनाएँ लाई जा रही हैं और तरह तरह के एप्लीकेशन भी लॉन्च किए जा रहे हैं, जिससे सभी संविदा कर्मियों को आने वाले समय में काफ़ी सहूलियत मिले काम को करने में। दोस्तों, निवेदन करता हूं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर जरूर क्लिक कीजिए, ताकि मेरे द्वारा अपलोड की जाने वाली हर एक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो सरकारी योजनाएं प्रधानमंत्री व राज्य सरकार की क्या हैं, कौन सी हैं, किस तरीके से उत्तर प्रदेश में 61,000 से ज़्यादा मनरेगा मिट और तमाम संविदा कर्मियों की भर्ती होने वाली है। अच्छी खबर यह है, सरकार ने 2022-23 के लिए मनरेगा मजदूरों की राज्यवार मजदूरी तय कर दी है। उत्तर प्रदेश में मनरेगा के तहत काम करने वाले मजदूरों को अब 213 रुपये प्रतिदिन मिलेंगे। ताज़ा जानकारी के लिए आपको मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना होगा और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर ज़रूर क्लिक कीजिए। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। दोस्तों, मनरेगा योजना में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को महिला मिट के रूप में तैनात करने का निर्णय लिया गया है। साथ ही उनकी सुविधा के लिए अस्मिता ऐप भी शुरू किया गया है। अब तक 35,138 महिला मिट चयनित की गई हैं। इनमें से 18,268 मिट का प्रशिक्षण पूरा हो चुका है। महिला कर्मियों को मनरेगा में 180 दिन का मातृत्व अवकाश भी दिया जाएगा। अवकाश पूरे सेवाकाल में 2 बार तक वेतन सहित दिया जाएगा। शासनादेश के मुताबिक मनरेगा के तहत 50 श्रमिकों पर एक मिट का चयन किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए आपको इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना चाहिए। मनरेगा महिला मिट का जो अस्मिता ऐप है, उसके बारे में एक स्पेशल वीडियो मैं अपने चैनल पर अपडेट करूंगा। मनरेगा में जल्द ही 46,000 कर्मियों की तैनाती की जाएगी। इसमें से 21,000 रोजगार सेवक रखे जाएंगे और 25,000 महिला मिट की भर्ती होगी। मनरेगा में मिट बनने वाली महिलाओं को 3 साल तक मिट के रूप में काम करने का मौका मिलेगा। ग्राम विकास विभाग ने मनरेगा में मिट बनाने की योजना पर काम शुरू कर दिया है। दोस्तों, आने वाले समय में किस तरीके से ये भर्तियां की जाएगी और समय समय पर अपडेट्स भी दिए जाएंगे। आने वाले समय में किस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ने मनरेगा के तहत 61,000 से अधिक मिट की भर्ती करेगी, और उत्तर प्रदेश ग्रामीण विकास विभाग के प्रमुख सचिव ने ये जानकारी दी है। भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। नरेगा रोजगार योजना की अधिक जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहेगी। महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की बात करें तो आने वाले समय में ज़्यादातर लोग इसको मनरेगा के नाम से जानते हैं। एक भारतीय श्रम कानून और सामाजिक सुरक्षा उपाय है, जिसका उद्देश्य काम के अधिकार की गारंटी देना है। यह अधिनियम सितंबर 2005 में पारित किया गया था। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षा को बढ़ाने के लिए, जिससे प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिन का रोजगार प्रदान किया जा सके, जिससे वयस्क सदस्य स्वयं सेवक सकुशल कार्य कर सके। लॉकडाउन के बाद भी प्रवासियों को रोजगार देने के लिए मनरेगा में 1,000 से अधिक मिट नियुक्त किए जाएंगे। आने वाले समय में किस तरीके से इन सभी चीजों को ध्यान में रखकर सरकार 61,120 पद, जिसमें 25,000 महिला मिट शामिल होंगे, इसकी भर्ती करेगी। वहीं पर मिट को 320 रुपये प्रतिदिन की दर से पारिश्रमिक दिया जाएगा। महिला मिट को 7200 रुपये मानदेय दिया जाएगा और रोजगार सेवक को 6,000 रुपये मानदेय दिया जाएगा। दोस्तों, ताकि आने वाले समय में किस तरीके से आप लोगों का पंजीकरण होगा, इस चीज़ को भी मैं एक वीडियो के माध्यम से अपडेट करता रहूँगा। निवेदन करता हूँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर ज़रूर क्लिक कीजिए। अपने चैनल पर तरीके की वीडियो में लेके आता रहता हूँ, जिस वीडियो में मैं आपको रोजगार करने के तरीके और किस तरीके से आप घर बैठे बड़े आसानी से रुपए कमा सकते हैं सरकारी और राज्य सरकार की योजनाओं से जुड़कर। निवेदन करता हूँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर जरूर क्लिक कीजिए, ताकि मेरे द्वारा अपलोड की जाने वाली हर एक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। वीडियो का अंत में बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।